राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की शुरुआत से हल्दी की खेती को लेकर उसे बाजार तक पहुंचने में मदद मिली। वैसे तो इससे देश भर के हल्दी किसान खुश हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी तेलंगाना के किसानों में है, क्योंकि वो लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूरा किया। तेलंगाना चुनाव में ये मुद्दा कितना असर डाल सकता है, इसकी पड़ताल की हमारे संवाददाता उर्मिलेश भट्ट ने। देखिए खास रिपोर्ट। तेलंगाना के निजामाबाद, निर्मल और जगतियाल जिले हल्दी की खेती के लिए जाने जाते हैं, लेकिन हल्दी बोर्ड नहीं होने से यहाँ के किसानों को उत्पाद की सही कीमत नहीं मिलने समेत कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। इसी वजह से इस क्षेत्र में चुनाव के दौरान विकास के तमाम मुद्दों के साथ हल्दी बोर्ड का गठन भी प्रमुख मुद्दा रहा। लेकिन मोदी सरकार ने यहां के लोगों की वर्षों पुरानी इस मांग को पूरा कर दिया। इसी मांग के चलते करीब 12 साल बाद चप्पल पहनने वाले निजामाबाद के किसान मनोहर रेड्डी समेत इस इलाके के हल्दी किसान बेहद खुश हैं। तो हल्दी के बोर्ड से किसान लोग तो खुश आए, रेट 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 के बारे में हमारे को रेट दिया तो अच्छा रहते थे बोल के बोल रहे किसान लोग 15,000 रुपए क्विंटल को। कांग्रेस वाले बोले हल्दी का बोर्ड देना बोलते हमारे से नहीं होता बोल के बोले। बीजेपी वाले बोलते थे हमारा गवर्नमेंट आए तो बराबर मेरे हमारा गवर्नमेंट आए तो बोर्ड देते बोल के बोले। मैं जिताओ जिताए तो हल्दी का बोर्ड सैंक्शन करते बोल के बोले। वो बात नहीं निभाए। हल्दी किसान और इससे जुड़े कारोबारियों का कहना है कि इससे न सिर्फ हल्दी उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि वैश्विक बाजार में इसे विशेष पहचान भी मिलेगी। एक जमाने में जो चावल आता था, गेहूं आता था, साल में एक क्राप आती थी, आज दो क्राप आ रही है, तो हो सकता हल्दी की भी कम से कम साल में एक क्राप आ रही है, दो बार आना शुरू हो जाए तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो किसान की आमदनी बढ़ेगी। कोई भी पार्टी आने तो एक टर्मरिक बोर्ड नहीं लगाया, अभी लगा रहे हैं। मोदी साहब आने के बाद दिया ना, किसान लोग खुशी है और जल्दी जल्दी आके और हल्दी लगा के खुशी होता है। जानकार भी मानते हैं कि हल्दी बोर्ड के गठन से न सिर्फ तेलंगाना के किसानों के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा बल्कि इस विधानसभा चुनाव में जब मतदाता वोट डालने जाएगा तो हल्दी बोर्ड जैसे महत्वपूर्ण फैसले जरूर उसके जहन में होंगे। तो इसका फायदा पूरे जो 7 सीट हैं जो निजामाबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, जो कुछ सीट्स करीमनगर डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, कुछ बगल के जगतियाल डिस्ट्रिक्ट में भी आते हैं, तो इसका फायदा होगा। और ये पूरे जो हल्दी के फार्मर्स हैं ये पूरे एरिया में हैं, तो उनको डेफिनेटली काफी फायदा होगा इससे। निजामाबाद के अधिकांश क्षेत्रों में हल्दी किसान निर्णायक मतदाता हैं, ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि हल्दी बोर्ड के गठन के फैसले के बाद जनता अपना जनादेश किसे देती है। निजामाबाद से DD न्यूज के लिए उर्मिलेश भट्ट की रिपोर्ट। वहीं चुनाव आयोग